संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। टीएमसी नेता शेख शाहजा गिरफ्तार कर लिया गया है। 55 दिन बाद गिरफ्तार हुआ है शेख शाहजा। ईडी टीम पर हमले के बाद से फरार चल रहा था शेख शाहजा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर कहा गया था कि आखिर क्यों शेख शाहजा अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सीधा सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने और अब जाकर 55 दिन बाद यह बड़ी कामयाबी मिली है। टीएमसी नेता शेख शाहजा को ईडी की टीम पर हमला करने का जिस पर आरोप है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल संदेश काली हिंसा में ये बड़ी खबर और बड़ी सफलता यहां पर पुलिस के हाथ लगी है। मुख्य आरोपी शेख शाहजहां गिरफ्तार कर लिया गया। देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो संदेश काली हिंसा पर बंगाल में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। संदेश खाली हिंसा पर सियासी वार पलटवार जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। ममता ने कहा कि संदेश खाली घटना की तुलना सिंगूर और नंदीग्राम की घटनाओं से नहीं की जा सकती। सुनम सिंगूर सिंगूर नंदीग्राम नंदीग्राम खतरा खतरा विष्णुपुर विष्णुपुर एक एक जगह एक एक चेहरा सेटा मने राखबेन काजे एकटार साथे आरेकटाके तुलना करे। वहीं कोलकाता में संदेश खाली हिंसा के विरोध में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पर शिकंजा कस गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख को सीबीआई ईडी कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। तो संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार किया जा चुका है और अब इससे पूछताछ होगी और जितने भी सवाल हैं जो भी पूरी देश जानना चाहता है उनके जवाब सबके सामने होंगे।